आज मैं आप लोग से बात करूंगी अबाउट व्हाट इज फेशियल एसिमेट्री। हाय, आई एम डॉक्टर श्रेया कृष्णा, योर ट्रस्टेड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन फ्रॉम न्यू दिल्ली। हमारे प्रीवियस वीडियो में डॉक्टर हीना कुदियार हैज़ ऑलरेडी डिस्कस द व्हाट्स एंड व्हाइज ऑफ फेशियल एसिमेट्री। उनके वीडियो में ये बताया गया है कि जो माइल्ड केसेस ऑफ फेशियल एसिमेट्री हैं, व्हाट वी कैन डू, एंड इट यूजली इन्वॉल्व्स करेक्शन ऑफ योर सॉफ्ट टिश्यूज, दैट मीन्स स्किन एंड स्किन के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स पे। आज मैं आपसे उन केसेस के बारे में बात करूंगी वेयर योर फेशियल एसिमेट्री इज मोर प्रोनाउंस्ड एंड यू नीड अ प्रोसीजर एट द स्केलेटल लेवल, दैट मींस आपको बोनी चेंजेस चाहिए। सबसे पहले लेट्स एक्चुअली डिस्कस, इज फेशियल एसिमेट्री ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ एस्थेटिक्स, दैट मींस क्या ओनली लुक्स अफेक्ट होते हैं फेशियल एसिमेट्री में? नो, फेशियल एसिमेट्री ऑल्सो इम्पैक्ट्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द फेस, लाइक सबसे पहला आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी, बिकॉज आपके दांत दे आर नॉट मीटिंग एट द करेक्ट प्लेस और दे आर डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ योर बोन, योर च्यूइंग एफिशिएंसी, योर टॉकिंग, योर स्वॉलोइंग, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड। सेकेंडली, योर जॉ जॉइंट्स विच इज़ बेसिकली लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द फेस, जो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ में हेल्प करते हैं, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई दीज बोनी चेंजेस, and you may experience various degrees of jaw joint problems. And third, jisko main sabse zyada emphasis deti hu apne practice mein, that is self esteem. Patients with facial asymmetry have deeply impacted self esteem issues and it must be addressed and it must be corrected. So let us discuss, are all types of facial asymmetry the same? No, they are not. There are two types of facial asymmetry. सबसे पहले, मे बी वन साइड ऑफ योर फेस हैज़ ग्रोन एक्सेसिवली कम्पेयर टू द अदर साइड। सेकेंडली, मे बी वन साइड ऑफ द फेस हैज़ ग्रोन डेफिशिएंट, दैट मीन्स लेसर कम्पेयर टू द अदर साइड। ईदर ऑफ दीज कॉजेज कैन कॉज फेशियल एसिमेट्री, विच मीन्स राइट टू लेफ्ट साइड इम्बैलेंस। नाउ कैसे पता चलेगा दैट वॉट काइंड ऑफ फेशियल एसिमेट्री यू हैव? ऑफ कोर्स यू मस्ट लीव इट टू योर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। सो हाउ डू वी फाइंड आउट what problem actually is there in your face? We order a set of x-rays, for example CT scans and bone scans. Bone scans in particular help us to find whether the cause of your facial asymmetry is in its active stage or the passive stage. एक बार हमारे पास आपके बोन स्कैन एंड सीटी स्कैन्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं, देन वी नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर एसिमेट्री, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ योर एसिमेट्री एंड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर योर एसिमेट्री। इसके अलावा देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मस्ट बी डिस्कस्ड विद यू, विच इज़ व्हाट इज़ योर एज। That is best left to your surgeon, जो आपको बताएंगे what is the best age to get your treatment done. एक बार हमारे पास आपके CT scan, bone scan के results आ जाते हैं and after a discussion with you, after understanding your expectations, we usually advise corrective jaw surgery. Now corrective jaw surgery can be just of your chin, of your entire lower jaw or of your upper jaw. कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें वी हैव टू डू अ कम्बाइंड बाई जॉ सर्जरी, दैट मीन्स बोथ आपका अपर जॉ एंड लोअर जॉ हैज़ टू बी करेक्टेड। कुछ ऐसे भी एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें बिकॉज ऑफ अ वेरी शॉर्ट वन साइड ऑफ द फेस हमें उस बोन को लेंथन करना पड़ता है, एंड इन दैट कंडीशन वी एडवाइज डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस ऑफ द बोन्स। Now, whatever be the cause and whatever is the treatment that we advise, the end result should always be that your right side and left side is matched as much as possible to the biological limits. Of course, selecting your oral and maxillofacial surgeon becomes extremely important in this result. अगर आपको और जानना है अबाउट करेक्टिव जॉ सर्जरी, व्हाट इज़ द रिकवरी टाइम, व्हाट इज़ द प्रोसीजर लाइक, वेदर यू विल गेट स्कार्स और नॉट, प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन करेक्टिव जॉ सर्जरी एज इट विल क्लियर अ लॉट ऑफ योर क्वेरीज। थैंक यू।